आरडी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज, मैं हूँ अभिषेक श्रीवास्तव। अभी मैं खड़ा हूँ बेला चौक के। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और आज गणतंत्र दिवस अवसर पर यहाँ जो बेला चौक पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और यहाँ पे लोगों से ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है। उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है किस तरह से ब्लड डोनेट करना उनके लिए लाभदायक है और समाज के लिए भी लाभदायक है। तो जो लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये पूरा ये जो सिनेरियो है, जो टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों का जो बीपी है वो चेक हो रहा है, उसके बाद से ब्लड डोनेट करने की जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है वो फुलफिल करने के बाद, और एक बार कहूँगा अपने कैमरे से एक बार ये इस गाड़ी में ब्लड डोनेट कराया जा रहा है, तो ये सारा प्रक्रिया चल रहा है। हमारे साथ है जो ये पूरा जो ब्लड डोनेट करने का पूरा जो प्रक्रिया है वो संभाल रहे हैं। क्या नाम है? बोलिए जी। सबसे पहले ये बताइए कि ब्लड डोनेट करवाने का मकसद क्या है? ब्लड डोनेट करवाने का मकसद हमारा ये है कि लोगों तक जो जागरूकता फैलानी है, कि उन लोगों को आज भी इस बात की डर सताई रहती है कि ब्लड डोनेट करने से कहीं उनको कुछ नुकसान कुछ ना हो। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँच पाए, ताकि लोग आगे आए ब्लड डोनेट करें। और जैसा कि आज हम ये लाइफ सेवर्स के थ्रू ये करवा रहे थे, आज का जो ब्लड डोनेट कैंप हमने कराया वो थैलेसीमिया डे केयर वालों के लिए कराया, जो बच्चे थैलेसीमिया या जो भी लोग थैलेसीमिया से परेशान हैं या थैलेसीमिया की बीमारी हैं, जिन्हें हर कुछ दिनों में ब्लड ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं आप लोग, या फिर आप लोग इंडिपेंडेंट? हम इंडिपेंडेंट सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ही है, लेकिन लाइफ सेवर्स के थ्रू जो ब्लड डोनेट करवा रहे हैं वो कहाँ स्टोर करेंगे, और अगर किसी को नीड होगा जैसे आपने कहा कि आप लोग ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, तो क्या लोग कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें? जैसे कि उन लोगों की रोज़ की रिक्वायरमेंट लगभग 25 यूनिट की रिक्वायरमेंट है रोज़ की, तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम मिनिमम से मिनिमम नहीं भी तो 50 यूनिट आज उनको ऑर्गेनाइज करके दिए, ताकि उनके दो दिन का जो कोटा है कम से कम वो पूरा हो। आप ये सदर अस्पताल में ओके, तो सदर हॉस्पिटल के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पर, सदर हॉस्पिटल के? अच्छा, चलिए। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे क्या कहना? ज़्यादा आगे आए ब्लड डोनेट करें, इससे कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छा मौका है कि आपका खून किसी के रगों में दौड़े, इससे कुछ नुकसान नहीं है बल्कि आपके शरीर में फायदे ही फायदे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरी, क्या फ़ायदे लगते हैं ब्लड डोनेट? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आपको खुशी मिलती है, एक रक्तदान से इतने लोग का जीवन आप बचा सकते हैं, यही सबसे बड़ा महत्व है। क्या रोल है आपका यहाँ पे? जी, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मेरा कोई रहता है, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ सोशल लाइफ में, और आप मुझसे अगर पूछें कि मैंने कितने बार रक्तदान किया, तो मैं सच बोलूँगी मैंने 6 महीने पहले एक बार किया, वो भी बहुत डर की जगह थी, मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बस वो करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये करना कितना अच्छा है। क्या करती हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समय बहुत इन्वॉल्व होती है। चलिए, तो आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और लोगों से रक्तदान करवाया जा रहा है। हालांकि वाकई जब रक्तदान की बात आती है तो कहा जाता है कि रक्त जो एक इंसान देता है तो 3 लोगों की जान बचाते हैं, तो आज आयोजन किया गया है और इसी को जानने की कोशिश कर रहे थे हम, क्योंकि एक हर जगह ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि वो आखिर ब्लड जो है वो कहाँ स्टोर होगा और किसको उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो हमने उसके बारे में बात की और उनका कहना है कि जो सदर अस्पताल है वहाँ पे ये सारे जो ब्लड हैं वहाँ स्टोर होगा, और जिसको भी दिक्कत होगी, जिसको भी जरूरत होगी इस चीज़ की, वहाँ से वो प्रदान कर सकता है। तो देखते रहिए स्टार्ट न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्टी न्यूज़, हर खबर का असर।